और फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी में हमने ये पार्ट टू लेकर आए हैं आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की साइड मूव भी करेंगे। और अभी हम पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? राइट ऑप्शन इज 1951। सेकेंड क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ हरोड डोमर मॉडल, डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द प्राइम टाइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। विच प्रोग्राम गिविन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स इकोनॉमी? सेकेंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज तारापुर, महाराष्ट्र। ये तारापुर है यहाँ पर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्चेस, अगेन स्टेट्स का क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पर, 1951। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन प्रायोरिटी कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर इन 7th 5 ईयर प्लान। इसरो वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? 15 अगस्त 1969। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। What is the name of the first satellite built by the India? So Aryabhatta. What is the mean by PSLV? Polar Satellite Launch Vehicle. Uranium-233 is produced by neutrons irradiation of thorium. Total energy utilized, potential energy of water. The efficiency of a nuclear power plant is comparison to a conventional thermal power plant is less. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज द वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन इज व्हाट? इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आर कंसीडर्ड एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका न्यूजीलैंड। डेल्फी टेक्निक्स इज यूज फॉर द टेक्नोलॉजी फॉरकास्टिंग। एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। रत्नागिरी गैस प्राइवेट लिमिटेड इज ज्वाइंट वेंचर बिटवीन NTPC एंड गेल। फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ TIFR HJ भामा, होमी जे पापा। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन इंडिया? SLV-3। साइंटिस्ट और गोविंद खुराना गिव हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। द रोलिंग प्लांट्स वर गिवन इन व्हिच ईयर? 1978 to 1983। द कमिटी फॉर्म बाय EEC फॉर स्पेस प्रोग्राम इज INCOSPER। ओके, तो इसने स्पेस कमिटी फॉर्म किया था। एंड IRS सीरीज सैटेलाइट आर यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आएगा। द राइट ऑप्शन फॉर काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्सेलेंट रूरल टेक्नोलॉजी 7th प्लान 1986। इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज एस्टेब्लिश 1958। द फ्यूल विच इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, द फॉसिल फ्यूल्स। कल्पना 1 सैटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन द 2003। EDUSAT was launched on 2004. GSAT-18 was successfully launched on 2016, October 2016. GSLV-D5 was successfully launched on 5th January 2014. Okay, so ye questions lekar hum aapke liye aaye hue hain. Abhi aur bhi question hai. DSIR was set up in the year, so ye bhi aapko yahan par aapke liye hi question hai. Comment box mein iska answer zarur dijiyega. CSIR founded in 1942. When was Swachh Bharat Abhiyan initiated? So 2nd October 2014. We celebrate Technology Day 11th May. When was Jawaharlal Nehru Prime Minister of India? 1947 to 1964. So यहाँ पर दो क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर टाइप करिएगा, आंसर दीजिएगा। पार्ट 3 में हम लेकर आएंगे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद पार्ट 4 रहेगा,
देन यहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी वीडियो सीरीज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।